नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टोर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज़। और जो गुड न्यूज़ जो निकल कर आती है वो है आरएस भर्ती परीक्षा 2017 को लेकर। तो सबसे पहले आपको इससे संबंधित न्यूज़ का प्रूफ दिखाते हैं, जो कि राजस्थान पत्रिका जोधपुर में आज के न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर जारी हुई है। और इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि आरएस भर्ती परीक्षा 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर, जो कि परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगा। और न्यूज़ में यह बताया गया है कि यह परीक्षा से संबंधित जो वैकेंसी है वो अगले माह में जारी कर दी जाएगी। और आरएस भर्ती परीक्षा 2017 में करीब 900 से अधिक पदों पर भर्ती के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से अगले माह में वैकेंसी जारी करने की पूरी संभावना है। और इस भर्ती से संबंधित RPSC ने पूरी तैयारियां कर ली गई है इस भर्ती से संबंधित। और विज्ञापन जारी होने के 2 माह बाद RS प्री परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। और मार्च 2018 में मुख्य परीक्षा करवाने का कार्यक्रम भी इस न्यूज़ में बताया गया है। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजस्थान GK स्टोर के सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स तक इस वैकेंसी की न्यूज़ है वो पहुंच सके, ताकि वो अपनी तैयारी जारी रख सकें। और इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप इस भर्ती की पुरानी विज्ञप्ति को डाउनलोड करके जान सकते हैं। और ये पुरानी इस भर्ती से संबंधित जो पुरानी विज्ञप्ति है वो आपको RPSC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पुरानी विज्ञप्ति को डाउनलोड करके जो भी इस भर्ती से संबंधित प्रक्रिया है उसको जान सकते हैं। सिलेबस वगैरह, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब जानकारी आप उस भर्ती पुरानी भर्ती की विज्ञप्ति को देखकर जान सकते हैं। और इस भर्ती में करीब 900 से अधिक पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है। और अगले माह तक इससे संबंधित जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। इसलिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे परीक्षा होने से संबंधित जो सूचना है वो आज के पेपर में जारी कर दी गई है। और भर्ती शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।